तो जो रोटी बन चुकी है इसमें जो देसी घी डल चुका है, ये जो सरसों का साग ये आ चुका है तो इसमें भी देसी घी डल चुका है, तो हम रोटी खाने वाले हैं। चलो दोस्तों, ऐसे सरसों मतलब मक्की की रोटी जो बनती है तो देख लिया आपने, तो चूल्हे पे बनाए गैस पे ना बनाए, तो लीजिए लीजिए, तो लो लो। तो लड़की को पहला नवारा तो देना चाहिए, तो मैंने दे दिया। हाय करो, हाय ऐसे करो, ऐसे करो, हाय करो। तो अब दोस्तों, अब तो खाना खा लिया है, ये बड़े फरमासी हैं, अपने लिए मक्की की रोटी बना रहे हैं। तो जो मैंने चूल्हा आपको दिखाया था वो चूल्हा अब दोबारा जल चुका है, और देखिए फिड्डी कैसे देख रही है। हाय करो, हाय। तो देखिए दोस्तों, अब रोटी बनेगी, देखिए आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगी। आटा देखिए दोस्तों, मक्की की रोटी कैसे बनती है, हिमाचली मक्की की रोटी। इसमें पानी डाल लो, थोड़ा आटा और डाल लो। देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से, देखिए जो सीखने वाले हैं स्टूडेंट जो आ चुके हैं तो कैसे देख रहे हैं। तो देखते हैं कि अगली जो रोटी बनाएंगे तो वो हमारे स्टूडेंट जी बनाएंगे, तो इस हाफ से हंस रहे हैं तो नहीं बनेगा इनसे। तो देखिए दोस्तों, तो इनको कैसे, तो मुंह से बोलो ना, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक बार ऐसे करते हैं, दूसरी बार ऐसे करते हैं, ऐसे बोलो ना। चेले तो बनते इं बनते, चेले चेले बड़े ना बनाना पौंदे ते मसाले। देखिए अब देखिए गोल कर दिए, देखिए दोस्तों, देखिए जो इन्होंने भिंडा बना दिया है, देखिए हाथों में कैसे, देखिए दोस्तों लोई बना दी है इन्होंने, हमारी भाषा में गोलू। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये तो एक तो दोस्तों एक किस्म से बर्गर बन रहा है, एक किस्म से मक्की की रोटी बन रही है। तो अब देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से है, पानी लगा लगा के, लगा लगा के। स्टूडेंट देखो कैसे देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब रोटी बनने के लिए, तो रोटी फट रही है। तो देखिए दोस्तों ये है, बना 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 बना, देखिए देखिए दोस्तों। तो मक्की की रोटी दरअसल वो चूल्हे में बनाएं, गैस में बनाने की कोशिश ना करें, अच्छी नहीं होती है, तो गाखड़ होगी तो ये साइड से सेकी जाएगी। तो इसमें आग जो जलाते हैं नीचे, तो धीमी आंच से आग जलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब रोटी तवे में जा रही है। तो देखिए दोस्तों, तो स्टूडेंट जी कैसे अपने गुरु का पालन कर रहे हैं, देखिए। तो रोटी जो डाल दी गई है, तो आप देख रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अब दूसरी रोटी जब बनने के लिए तैयार है, रोड फिगर में दिया था ही। देखो उनको नहीं है तो चून तो भाग चला, देखते हुए भाग गया स्टूडेंट। तो अब देखिए जो इनके भी गुरु जो आप पहुंच चुके हैं, तो देखिए तो गुरु जो इनके जो गुरु हैं वो पहुंच चुके हैं, पुराने गुरु हैं जो ये गुरु जो हैं। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से आग जला रहे हैं। तो मक्की की रोटी देखिए, देसी घी लगाएंगे और साग सरसों का साग भी बनाए आपको, वो भी दिखाऊंगा। तो देखिए ये स्पेशल रोटी मेरे लिए बन रही है, बनेंगी तीन रोटियां बनेंगी ये, राजेश कुमार के लिए दोस्तों, सेठू में दौड़ते रहना, राजेश नाम भी है मेरा। तो देखिए आग जल रही है, बुरी तरीके से रोटी जल मुझे लगा चिपकी ना जाए। तो जो देखिए चिमटे से कैसे बदल रहे हैं, है देखिए रोटी क्या, देखिए रोटी। तो अब देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से सीखने वाले सीख रहे हैं, देखिए दो मैडम यहाँ पे आ गई हैं, एक नए शादी वाले भी आ गए, देखिए हाय हाय, दूसरी दो सिखा रहे हैं और दो सीख रहे हैं, और छोटी फिड्डी को देखो, उसको दुनिया का पता नहीं है कहाँ है ये। तो देखिए दोस्तों दूसरी रोटी, अब इन रोटियों के साथ ना थोड़ा ना
ऐन का साग हो तो अच्छी लगती है। और थोड़ा जो मक्की की रोटी खाएं तो उसके साथ जो हरी मिर्चें जो ज्यादा खाएं। तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों जो रोटी बनाने के बाद वो इनकी तो अब गर्गलों के बीच में आ गए हैं, खट्टों के बीच में। तो आप बनाओ रोटी बनाओ। तो देखिए दोस्तों लड़की जो पीटी जा रही है तो इसका तो देखिए दोस्तों अब क्या कहें। इस दिन में भी निहाड़ा देती है, रात को भी निहाड़ा देती है। देखिए दोस्तों तब दूसरी रोटी जो अब दोस्तों तोए पे जा रही है। और दूसरी रोटी जो दोस्तों ये सामने देखिए यहाँ पे डाली हुई है चूल्हे में। तो रोटी जो बनाए तो चूल्हे में बनाए तो वही रोटी अच्छी लगती है। तो आप जो रोटी बना रहे हो तो घर में बनाते हो आप? क्या आप स्पेशल कुछ खाने के लिए आए हैं? आप चुप रहो। आप रोटी खाने के लिए आए हैं इनको? क्या मतलब बनाने के लिए आए हैं खुद? मैं तो वैसे ही बना ली। अच्छा वैसे बना ली। और नैना को भी हिंदी सिखा। चलो दोस्तों सुनना पड़ना। तो देखिए दोस्तों गुरु ने जो रोटी कितने अच्छे से सेक दी। जरा हाथ में पकड़िए इसको, हाथ में पकड़ के उठाइए। ये वो यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ देखिए। तो रोटी अच्छी बनी है। तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए रोटी देखो कैसे झाड़ रहे हैं। दो धूल देखिए दोस्तों कितनी अच्छी रोटी है। तो गुरु गुरु होता है और चेला चेला ही होता है। देखिए दोस्तों तो गुरु जो है तो इन्होंने हाथ में पकड़ लिया। तो अब देसी दूसरी रोटी जो अब बदल दी जा रही है और दूसरा पेड़ा तैयार हो रहा है। तो देखिए दोस्तों वो भी आधी बन चुकी है। तो देखिए दोस्तों रोटी बदल दी है। एक छोटा तो चेले जी हैं वो छाबड़ी लेके आ गए हैं। तो छाबड़ी में जो डाल दी गई है रोटी, चेलों का काम यही होता है कि यहाँ वहाँ का सामान उठा के दो। इनको अभी कुक बना दिया है तो वो सिर में चढ़ जाएंगे ये। फिर थोड़ी देर में हम ये रोटी खाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे कैसे खाएंगे हम, स्वाद लगा के खाएंगे हम। मछली का चारा है उससे खाएंगे या सरसों से साग के खाएंगे या फिर अचार से खाएंगे आम के। तो देखिए दोस्तों अब दूसरी रोटी जो बन चुकी है, एक तोए पे डली है, एक चूल्हे में डली है और दूसरी हाथ में, तो एक छक्की में डली है। देखिए दोस्तों आपको, तो दोस्ती रोटी जो बनाई तो चूल्हे में बनाई, गैस में बनाने की कोशिश ना करें, रोटी अच्छी नहीं होती है मक्की की रोटी खासकर। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं खाने के टाइम में। दोस्तों जो रोटी बन चुकी है इसमें जो देसी घी डल चुका है, ये जो सरसों का साग ये आ चुका है तो इसमें भी देसी घी डल चुका है। तो हम रोटी खाने वाले हैं। चलो दोस्तों ऐसे सरसों अंकल मक्की की रोटी जो बनती है तो देख लिया आपने, जो चूल्हे पर बनाए गैस पर ना बनाए। तो लीजिए लीजिए, तो लो लो। तो लड़की को पहला नवारा तो देना चाहिए, तो मैंने दे दिया। हाय करो, हाय ऐसे करो, ऐसे करो, हाय करो।